नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर गुड़गांव। आज हम आपके सामने जो बात करेंगे वो मसल्स क्रैम्प्स के बारे में बात करेंगे कि जैसे एक्सरसाइजेस करते वक्त या रात को सोते वक्त कई बार मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, आपको एकदम से उठना पड़ता है या बहुत मतलब शूटिंग पेन होता है, तो योगा के माध्यम से हम अपनी मसल्स क्रैम्प की प्रॉब्लम को काफ़ी तक रिलीज़ कर सकते हैं। क्योंकि मसल क्रैम्प का मतलब क्या हुआ, मसल क्रैम्प्स आने का मतलब है कि बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं, साथ ही साथ मसल डिहाइड्रेट हो गई हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करके रखें। रेगुलर वे में भी आप खूब अच्छे से पानी पीजिए और अच्छे से जैसे वाटर रिच फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन है, जैसे गर्मियों में कुकुम्बर है, इस तरीके की चीज़ें हैं, नींबू पानी है, जो भी आप पसंद करें ड्रिंक, वो उस तरीके से एक हेल्दी ड्रिंक आप पी सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज वर्कआउट से पहले भी और सोने से पहले भी, तो ऑटोमेटिकली आपको मसल क्रैम्प कम होंगे। और हम कुछ एक्सरसाइजेज इस तरीके से करेंगे आपकी ताकि मसल्स को और स्ट्रेंथन मिले, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, ताकि क्रैम्प्स को हम अवॉइड कर पाएँ। तो सबसे पहले बहुत इजी एक्सरसाइजेज हैं, चलिए तो अब हम धीरे से कुछ पैरों के एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। अब आप धीरे से बैठ जाइए इस तरीके से कंफर्टेबली और अपनी पैरों की अंगुलियों को हिलाइए, पैरों में गैप, बहुत आराम से अपनी पैरों की अंगुलियों को हिलाइए। अब धीरे से पंजों को पूरा आगे पीछे कीजिए, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बिल्कुल धीरे धीरे। जो भी मसल्स में खिंचाव तनाव आ रहा है, देखिए मसल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करेगा। यस, ये धीरे से आप किसी में रात को सोते टाइम या जब आपको नॉर्मली हमेशा क्रैम्प्स की प्रॉब्लम रहती है तो आप आराम से कोई भी एक्सरसाइजेज वर्कआउट करने से पहले या सुबह उठकर ये प्रैक्टिस कीजिए। नाउ रोटेट, धीरे से पंजों को रोटेट कीजिए, 5 to 7 राउंड क्लॉक। इसमें कोशिश करनी है कि आपके घुटने और एड़ी जमीन पर जमी रहे इस तरीके से, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रैम्प्स की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से कंट्रोल हो पाएगी। अब द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज बटरफ्लाई पोस्चर। आप आराम से कंफर्टेबली इस तरीके से बटरफ्लाई पोस्चर में बैठिए, स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट, कमर सीधी और दोनों घुटनों को जमीन पर। आप आराम से इसमें बैठ भी सकते हैं और सुप्तबद्ध कोणासन, जैसे कहा गया है कि आप लेट कर भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, बैठकर करने में यू फील मोर अटेंटिव और मसल्स पूरा सा एक्टिव रहेंगे, तो इस तरीके से ये बद्ध कोणासन। उसके बाद जब हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, आप धीरे से इसमें वापस आ जाइए। अब हम करेंगे जानू शीर्षासन। तो जानू शीर्षासन का मतलब है कि जानू मतलब घुटना, शीश उसके ऊपर लगाना है। तो इस तरीके से आप लेग्स को ये फोल्ड कर लीजिए, राइट लेग को, हल्का सा पैर सीधा। अब इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि दे आर लेस फ्लेक्सिबल, कि वो आगे झुककर अपने पैरों के अंगूठे नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसी ही थेरेपेटिक मेथड्स में हम क्या करते हैं, मैं आपको बहुत इजी रेमेडी बताती हूँ। आप आराम से कंफर्टेबल इस पैर को मोड़ लीजिए, फिर भी दिक्कत आ रही है तो इसके नीचे कोई कुशन या एक योगा ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, हिप के नीचे भी कुशन की आप इम्बैलेंस फील कर पा रहे हों। अब धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और एक्सहेल करते हुए आपके हाथ नहीं पकड़ में आ रहे तो हल्का सा घुटना मोड़ लीजिए, लेकिन शर्त यह आपका पंजा सीधा रहना चाहिए। इस तरीके से मोड़िए और फिर पूरा आगे झुक जाइए, तो ऑटोमेटिकली आपको जो भी जानू शीर्षासन के लाभ है वो भी मिल जाएंगे और आप अपने आप को और अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी में और प्रूव कर पाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका घुटना भी सीधा हो जाएगा, लेकिन इसे रेगुलर प्रैक्टिस, तो ये घुटनों के लिए, पैरों की मसल्स को और स्ट्रेंथन करने के लिए और साथ ही साथ बॉडी के वाता दोष को कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। जैसे हमने राइट लेग को किया है उसी प्रकार लेफ्ट लेग से भी इस तरीके से मोड़िए, दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा घुटना मोड़कर आराम से कंफर्टेबली, क्योंकि योगा विद ईज, सो जस्ट रिलैक्स नाक को घुटने की तरफ, फिर धीरे से ऊपर, धीरे से हाथ नीचे और इस तरीके से पैरों को सीधा कर लीजिए। तो ये पैरों के लिए, पैरों को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम के लिए बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। अब हम धीरे से प्रैक्टिस करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन मतलब बैक को स्ट्रेच करना। इसमें भी सबको बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बड़ी दिक्कत है, हम तो हाथ पकड़ ही नहीं पाते हैं, तो उसकी भी वही इजी रेमेडी है। इनहेल, स्ट्रेच योर हैंड्स अप, हल्का सा नी को बेंड कीजिए, होल्ड योर टोज एंड पुट योर नोज टुवर्ड्स द नी। कोई दिक्कत नहीं है आपको, कहीं भी दिक्कत आए आप हल्का सा नी को, बट नी शुड बी टुगेदर एंड टो शुड बी स्ट्रेट। आराम से कंफर्टेबली करिए, देखिए इस तरीके से बिल्कुल आराम से, और धीरे धीरे जैसे आप कर पाएंगे धीरे धीरे उसको सीधा कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इफेक्टिव है आपकी लेग्स के लिए, साइटिका नर्व के लिए, बैक मसल्स के लिए, और जो मसल्स में स्पेशली हमारे काफ मसल्स में क्रैम्प सबसे ज़्यादा आते हैं तो उनको रिलैक्स करने के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो अब हम करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास।
आप इस तरीके से वज्रासन में बैठकर घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। धीरे से देखेंगे घुटनों पर, लेग मसल्स पर और काफ मसल्स। इस तरीके से आप धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए और धीरे से एड़ियों को पकड़ लीजिए। तो ये लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इफेक्टिव आसन है, क्योंकि पूरा जो बॉडी वेट है वो आपका पैरों पर आ गया है। अब धीरे से वापस आइए। इसका एक और ऑप्शन है कि आप कमर पकड़कर भी पूरा पीछे झुक सकते हैं, ताकि जो वज़न है वो थोड़ा सा कमर पर भी रहे। आपको पैर अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो उनको पैर पकड़ने में दिक्कत आती है, तो आप कमर पकड़ कर के भी आसन कर सकते हैं। अब धीरे से जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है हम उसमें लेट जाएंगे और उसमें हम करेंगे शलभासन और सेतुबंध सर्वांगासन। तो आप ये प्रैक्टिस देखिए। अब हम धीरे से लेट रहे हैं। दिस इज क्रोकोडाइल पोज, रिलैक्सिंग इन द प्रोन पोस्चर्स। अब धीरे से हम शलभासन की तरफ जाएंगे। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथों को आपको थाइस के नीचे रखना है। आप कंफर्टेबली अगर नहीं हो थाइस के नीचे तो कोई बात नहीं, आप नीचे भी रख सकते हैं। या जिनको चेस्ट से दिक्कत आ रही है कि भाई वो ऊपर चेस्ट दब रहा है, सांस नहीं आ रहा है, तो वो हाथ इस तरीके से भी रखकर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए मैं पहले आपको सबसे परफेक्ट वाली जो चीज़ है वो दिखाती हूँ। ये धीरे से चिन को नेक पर, पूरा चिन को फ्लोट पर, और रेज योर राइट लेग एकदम सीधा। बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, एकदम सीधा आप उठाइए, लेकिन उसे होल्ड करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा अच्छे से आप उसे होल्ड कर पाएँ, ताकि मसल्स की एंड्यूरेंस हम बढ़ा पाएँ। और क्योंकि योगा में भी कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम, हर आसन में जितना आप स्टेबिलिटी के साथ रुक पाएंगे आसन का उतना ही लाभ मिलेगा। तो धीरे धीरे एक एक पैर से प्रारंभ कीजिए। बहुत ज़्यादा ऊपर की जरूरत नहीं है, आप केवल 30 डिग्री तक उठाइए, क्योंकि मसल्स को हमको स्ट्रेंथन करना है। अब धीरे से जो उठा सकते हैं वो एक एक पैर के बाद दोनों पैर उठाएं। दोनों पैरों को उठाने में दिक्कत आ रही है तो आप पैरों में गैप करके भी उठा सकते हैं, या एक एक पैर से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से शलभासन ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है लेग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मसल्स में क्रैम्प्स के लिए, लोअर बैक मसल्स के लिए। धीरे से रिलैक्स। अब हम धीरे से सीधा लेट जाएं। अब हम करेंगे सेतुबंध सर्वांगासन। बहुत आराम से कंफर्टेबली सीधा लेट जाइए। लेग्स को इस तरीके से फोल्ड कीजिए, पैर मोड़कर ही सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन मीन्स ब्रिज पोस्चर। हाथ इस तरीके से पास में, इनहेल करते हुए कमर वाले हिस्से को पूरा ऊपर उठाइए और धीरे से अब दोनों हाथों से कमर को पकड़ लीजिए और एक एक पैर को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं। धीरे से जितनी देर आप उठा पाएं, अदरवाइज इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। बिल्कुल आराम से रिलैक्स करते हुए आराम से धीरे से नीचे आ जाइए। एंड नाउ द अपोजिट आसन। इसका अपोजिट आसन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर मसल्स को जितना हमने स्ट्रेच किया उसे रिलैक्स करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो पवन मुक्तासन के माध्यम से हम उसे रिलैक्स करें और फिर धीरे से आप पैर सामने सीधे कीजिए और शवासन में विश्राम कीजिए। तो आज हमने जो बात की है वो मसल्स क्रैम्प्स जो आ जाते हैं स्पेशली लेग्स में, बॉडी में, तो उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आज हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि अच्छे से वाटर इज डाइट लीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, सजेशन हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।